ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख सॉल्व करते हैं। पहले उसको पढ़ते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन इन्वेस्ट ₹3072 इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम व्हेन इट्स ₹10 शेयर कैन बी बॉट फॉर 16 ईच। फाइंड हिज एनुअल इनकम एंड सेकेंड वन इज हिज परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। उसकी टोटल इनकम कितनी है और जो इनकम उसने की है उस कितना परसेंटेज इनकम हुआ है, परसेंट हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट का। तो बहुत इजी है, पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें मिला हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इसमें, टोटल इन्वेस्टमेंट 3072 रुपीस का है। यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स इक्वल टू कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है। तो हमें पता है हमने कितना पैसा इसमें लगाया और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम पता कर सकते हैं इससे कितना है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 3072 अपॉन 16। इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे, रफ में डिवाइड करते हैं 3072 16 9 5 144 3 32 16 2 32। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आए 192। इसका आगे कैलकुलेशन में यूज़ पड़ेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी ₹10 की नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर ₹10। तो जब वन शेयर की वैल्यू 10 है तो 192 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, हम ये पता कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ 192 शेयर्स इक्वल टू 192 इंटू 10 इक्वल टू 1920। यहाँ पे हमको दिया हुआ रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 5%। तो सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे एनुअल इनकम इज इक्वल टू एन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे हमने ये निकाला है 1920। रेट ऑफ डिविडेंड ये है 5% इनटू 5/100। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये 2 से जाएगा, इसकी वैल्यू आई 96। तो ये हमारा एनुअल इनकम हुआ 96 रुपीस का। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पूछ रहा है इस परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसको कितना परसेंटेज इनकम हुआ है उसके इन्वेस्टमेंट पे। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज इनकम का
इंस्ट्रूमेंट इनटू 100%। तो हमारा इनकम यहाँ से ये पता चला है 96 है, इनटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना था 1920। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा था यहाँ पे 3072 का, 3072। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंट 98 3072, तो इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 3125%। ये हमारा हो गया परसेंटेज इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट। देखिए ये आंसर आपका हो गया। बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है, बस करेक्ट वैल्यू रखनी है और आपको सही आंसर मिल जाएगा।